हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप अपने प्रेगनेंसी में कैसे पहचाने कि आपका बेबी पेट के अंदर बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं। कॉमन साइंस ऑफ अ हेल्दी बेबी, अ हेल्दी प्रेगनेंसी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन बातों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। पहले के जमाने में माँ अपने पेट को छू कर महसूस करके जान जाती थी कि उनका बच्चा पेट के अंदर बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि वो टाइम पे अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के ऑप्शंस नहीं होते। लेकिन आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है जिसके थ्रू हम सब जान सकते हैं कि हमारा बेबी पेट के अंदर सही है या नहीं। तो चलिए जानते हैं एक हेल्दी बेबी के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो एक्सपेक्टेड मदर्स का वजन बढ़ना है। यूजुअली एक प्रेग्नेंट लेडी का करीब 12 से 15 केजी वजन बढ़ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही जरूरी होता है। इसी के साथ जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता है वैसे वैसे उनकी बैली की साइज भी बढ़ती है टाइम बाय टाइम, जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की ही निशानी है। दूसरा लक्षण यह है कि अगर आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स फील हो रहे हैं या नहीं, आपका बेबी किक कर रहा है, आपका बेबी मूव कर रहा है, और ये सारे मूवमेंट्स अगर आपको अपने प्रेगनेंसी के 5th या 6th मंथ से फील होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है। अगर आपका बेबी आपकी बातें सुन रहा हो, आपको रेस्पॉन्ड कर रहा हो, तो यह सब भी गुड साइन की निशानी है। लेकिन बाय 9th मंथ आपके बेबी की मूवमेंट्स थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि तब तक आपका बेबी अच्छे से ग्रो हो जाता है जिस वजह से आपके पेट में कम जगह बचती है। लेकिन यह भी बिल्कुल ही नॉर्मल है, आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यह भी हेल्दी प्रेगनेंसी की ही निशानी है। तीसरा लक्षण है आपके बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, जो आपके डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके करीब 2 से 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं जिसके थ्रू आपके डॉक्टर्स आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जान सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि आपका बेबी पेट के अंदर बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं। हर महीने आपके बेबी की लंबाई 2 इंच बढ़नी चाहिए एंड बाय द एंड ऑफ 9th मंथ आपके बेबी का वेट करीब 3 kg और लंबाई करीब 18 से 20 इंच होनी चाहिए। अगर यह लक्षण आपको दिखते हैं तो आप समझ लीजिए आपका बेबी बिल्कुल 100% स्वस्थ है। चौथा लक्षण है बेबी के हार्ट बीट, जिसको आप अल्ट्रासाउंड टर्म में FHR के नाम से जानेंगे, फेटल हार्ट रेट। प्रेगनेंसी कंसीव होने के 5वें हफ्ते से ही आपके बेबी की हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो आपके डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल सही है या नहीं। एक हेल्दी बेबी की हार्ट बीट इन बिटवीन 110 टू 160 पर मिनट होनी चाहिए। तो अगर आपके बेबी की हार्ट बीट इन बिटवीन 110 टू 160 पर मिनट है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ है। पांचवा लक्षण, आपकी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अपने बेबी की थोड़ी कम मूवमेंट्स फील होती है, लेकिन यह भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की ही निशानी है, क्योंकि बाय दैट टाइम आपके पेट में बहुत ही कम जगह बचती है और आपका बेबी बाहर आने के लिए अपने पोजीशन को हेड डाउन पोजीशन में चेंज करता है और बाहर आने के लिए रेडी रहता है। तो गाइज, आई थिंक आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें पता चली जिसके थ्रू आप भी जान सकते हैं कि आपका बेबी पेट के अंदर बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं। आई थिंक आज आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।